सो हे मार्वलस पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आजकल के सुपर हीरो वाले टाइम में मार्वल और डीसी को तो हर कोई जानता है, और कैसे नहीं जानोगे यार, सिनेमा में आग लगा रखी है दोनों यूनिवर्सेस ने। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि मार्वल यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसीईयू में कौन कॉम्पिटिशन जीत रहा है। तो देखो, मार्वल आजकल कितना ही चल रहा हो, लेकिन हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि ओरिजिनली बचपन में जब भी कोई हमसे सुपर हीरो के बारे में पूछता था तो हमारे मन में सिर्फ एक ही नाम आता था, बैटमैन या फिर सुपरमैन। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसकी शुरुआत क्रेडिबल हल्क से हुई थी, उसी के कंटिन्यूएशन में आई 2008 में पहली द आयरन मैन। और उस वक्त मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो स्टूडियोज थे उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि उस वक्त वो ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी चल रही थी, कॉमिक्स उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर नहीं रही थी। लेकिन आयरन मैन 1 की हिट होने के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मानो चल सा पड़ा। अब उसके बाद की सक्सेस तो हर कोई जानता है। कॉमिक्स में एक्चुअली आयरन मैन इतना पॉपुलर भी कभी नहीं हुआ करता था, लेकिन आरडीजे यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जो परफॉर्मेंस थी आयरन मैन को लेकर टोनी स्टार्क के लिए, उसने उस कैरेक्टर में अलग ही जान डाल दी। और अब इस सब के बाद फाइनली आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को जानते हैं कि वो कितनी बड़ी कंपनी है। अब हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहाँ पे मार्वल और डीसी दोनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं, और उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स हमें सिनेमा में बहुत ही अच्छे वीएफएक्स के साथ प्रेजेंट किए जाते हैं। और जब भी ऐसा होता है, जब भी दो सेम कैटेगरी की चीजें सेम मार्केट में आती हैं, तो कंपटीशन तो होता ही है और कंपैरिजन भी होता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब अगर मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊं, तो पहला आएगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को पता है कि क्रॉसओवर्स किस तरीके से किए जाते हैं। उनको पता है कि अगर कोई मूवी जिसमें कैरेक्टर पहली बार अपीयर करने वाला है, उसको चलाने के लिए पुराने कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर करा के उस मूवी को हिट कराया जा सकता है। और उसके साथ साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक हमेशा प्रॉपर प्लान और शेड्यूल चलता है कि कौन से टाइम पे कौन सी मूवी रिलीज होगी और वो कौन सी मूवी से जाके कनेक्ट होगी, जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है हर एक स्टोरी लाइन से। और ताकि वो सिनेमैटिक यूनिवर्स कनेक्टेड रहे, वो वीकेस्ट टू वीकेस्ट मूवी भी देखती है, वो भी सिनेमा में जाके। अब मार्वल की सबसे अच्छी बात ये है कि इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बाद भी उन्होंने हमेशा शो किया है कि हर कैरेक्टर को जितना रन टाइम मिलना चाहिए उतना मिला है, भले वो इन्फिनिटी वॉर की बात हो गई या एंड गेम की बात हो गई। इतने सारे कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से मैनेज करना स्टार्टिंग से मार्वल ने पूरे सिनेमा को सिखाया है। और उसके साथ रिसेंट में आई फैन सर्विस को कैसे भूल सकते हैं, कि मार्वल जानता है कि उसके फैंस क्या देखना चाहते हैं, और इसी वजह से वो हमेशा वो शो करते हैं जिसके लिए मार्वल फैंस थिएटर में एक से ज्यादा बार जाएंगे। उसका हाल ही एग्जांपल है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसमें सोनी और मार्वल कंबाइन हो गए एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें सोनी के पुराने पिक्चर्स के स्पाइडरमैन यानी टोबी मैग्वायर और एंड्रयू गारफील्ड वापस आए स्पाइडरमैन नो वे होम में टॉम के स्पाइडरमैन के साथ, और अपना खुद का स्पाइडर वर्स क्रिएट किया। और उसके साथ इस पूरी चीज को एक सीक्रेट रखा ताकि सारे फैंस का मोमेंट भी स्पॉइल ना हो। और लास्ट पॉइंट जो एमसीयू की अच्छी बात ये होती है कि उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म अलग से रिलीज किया जिसका नाम है डिज्नी प्लस, जिसमें वो कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ ना कंटेंट वो भी सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला प्रोवाइड कराते रहते हैं, जैसे कि लोकी, वांडा विजन, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, मून नाइट रिसेंट वाली। तो ये बात हो गई मार्वल के बारे में। अब बढ़ते हैं डीसीईयू के बारे में। तो डीसीईयू की जो अच्छी बात ये है कि वो लोग फोकस करते हैं डिफरेंट अर्थ्स पे, एक हो गई सीरीज के फॉर्म में, जैसे कि फ्लैश अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, सुपरमैन अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, और खूब सारे बैटमैन्स पे मूवी बन चुकी है। इसलिए वो फोकस करते हैं कि एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से ऑडियंस को अच्छा लग सकता है। सेकंड बात उसकी अच्छी ये है उसका स्नाइडरवर्स का यूनिवर्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हमें ग्लिम्स तो मिल गया कि अगर वो पूरा होता तो कितना अच्छी तरीके से डीसी के कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट होते। अब तीसरा पॉइंट जो डीसी की अच्छी बात ये है कि वो लोग फोकस करते हैं सोलो मूवीज के ऊपर, जैसे कि हाल ही एग्जांपल है द बैटमैन, या फिर द जोकर, या फिर द सुसाइड स्क्वाड रीसेंट वाली। अब ये सब ऐसे एग्जांपल्स हैं जो शो करते हैं कि डीसी के यूनिवर्स को क्रॉसओवर्स की जरूरत नहीं है, उनके कैरेक्टर्स इतना पोटेंशियल रखते हैं कि अगर वो नॉर्मली भी आएंगे तो फिर भी बहुत ऑडियंस का एप्रिसिएशन पाएंगे, बस उनको उनकी डार्कनेस, उन डार्क ह्यूमर और आर रेटेड होने की जरूरत है। और लास्ट पॉइंट जो सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में तो नहीं है, लेकिन हाँ उन डीसी के बारे में जरूर है कि डीसी की स्टोरी लाइंस बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपने कोई भी ऐसी उनकी स्टोरी लाइन पकड़ ली, यानी इनजस्टिस या फिर बैटमैन हू लव्स, ये सारी इतनी इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव स्टोरियाँ हैं जो कैरेक्टर्स के पोटेंशियल को और ज्यादा हाई लेवल पे लेके जाती हैं और हमारे विजन के बियॉन्ड भी इन कैरेक्टर्स को सर्वाइव कराती हैं। अब नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में बात करें तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक बात है कि वो हमेशा सेम फॉर्मूले पे काम करता है। सारी मूवीज का एक ग्राफ सेम ही रहता है, जिसमें एक ही विलन होगा, एक हीरो होगा, कुछ क्रॉसओवर्स होंगे, सिंपल चाइल्ड जोक्स होंगे, और कुछ हाइप्ड या क्रिएटिव मोमेंट्स होंगे जिसकी वजह से पिक्चर चलेगी, जो कि ऑल टुगेदर इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ होना कभी कभी ऑडियंस को निराश भी कर सकती है। उसका हाल ही का एग्जांपल है कैप्टन मार्वल, जो सिर्फ और सिर्फ एंड गेम के हाइप की वजह से चली थी, पर उसके अंदर कुछ भी ऑफर करने को नहीं था। दूसरा पॉइंट उसके बारे में यह है कि जितने भी उसके सीरियस कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी वो PG-13 के फॉर्म में दिखाते हैं। उसका एग्जांपल यह है कि पहले आई हुई नेटफ्लिक्स की जो सीरीज थी, जैसे कि द पनिशर या फिर डेयर डेविल, वो थी आर रेटेड।
तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हमेशा अपने सीरीज को PG-13 रखता है, जो उनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, खासकर जब डेडपूल इंट्रोड्यूस होगा। अब DCEU के नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में बात करें तो एक पॉइंट जो सबसे ऊपर उठ के आता है, जिसे सब अग्री करेंगे, वो है स्टूडियो का इंटरफेरेंस। यानी डायरेक्टर को उनका क्रिएटिव फ्रीडम कभी नहीं दिया जाता, और दिया भी जाता है तो बहुत कम दिया जाता है, जिसके अंदर भी कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं। हाल ही एग्जाम्पल स्नाइडर कट, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद रिलीज हुआ था। सेकेंड इनकी नेगेटिव चीज़ ये है कि इनके प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा कैंसिल होते हैं और डिले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि इस साल आने वाली जितनी सारी मूवीज़ थी, एक्वामैन, फ्लैश, सब की सब डिले हो चुकी हैं। अब इससे ऑडियंस का जितना भी एक्साइटमेंट होता है वो गिरता है, और लोग की एक्सपेक्टेशन गिर जाती है। उसके साथ साथ उसमें जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, जैसे द फ्लैश के साथ जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई हैं, भले ही वो स्नाइडर कट को पूरी तरीके से इरेज करना हो या फिर द फ्लैश के एक्टर की कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई हों, इससे मूवी की हाइप भी गिरती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि DC क्रॉसओवर्स बहुत कम कराता है, जिससे उसकी हाइप बिल्डिंग उतनी नहीं हो पाती। इंडिया में द बैटमैन बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाई जितनी वो कर सकती थी, क्योंकि उसका पोटेंशियल तो बहुत था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्रॉसओवर्स की वजह से लोग एक्साइट नहीं हो पाए, जो आजकल के टाइम में लोग जिससे लोग होते हैं। तो इसका कन्फ्यूजन क्या हुआ? वेल, आई डोंट नो, पर एक चीज़ तो पक्की बात है कि हम इतने तो लकी हैं कि हम उस टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे दो सबसे बड़े सुपर हीरो स्टूडियोज दोनों ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में बेस्ट VFX के साथ हमको बहुत सारी मूवीज कंसिस्टेंटली दे पा रहे हैं, भले वो OTT के थ्रू हो या फिर बड़े पर्दे पे हो। आई थिंक यही एक अच्छी बात है जिसमें हमें जीना चाहिए, और दोनों चीज़ों को इक्वली मज़े के साथ देखना चाहिए, और एट दी एंड हर चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, भले वो मॉर्बियस जैसी मूवी क्यों ना। अब तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा और आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए।